हेलो गाइस, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल को लेकर। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, ये सॉन्ग मेरे नहीं तो क्या इस साउंड पे अपलोड किया गया है और टिकटॉक पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। यदि आप इस तरह की वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो वीडियो को यहाँ पे आपको लास्ट तक देखना है। मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा इस तरह के वीडियो में आप स्लो मोशन कैसे ऐड कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन साउंड कैसे लगा सकते हैं और ट्रांजेक्शन इफेक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों गलती क्या करते हैं, जिस लड़की का वीडियो का क्लिप हम यूज करते हैं और हमारा वीडियो जो होता है वो दोनों का कलर मैच नहीं कर पाता है, इसकी वजह से हमारे वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक चेंज व्यूज नहीं आता है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कलर मैच आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 2 से 3 वीडियो शूट करना है 4 से 5 सेकेंड तक। जब भी आप वीडियो शूट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है बैकग्राउंड आपको काफ़ी बेहतरीन होना चाहिए और पेड़ पौधा ज़्यादा होना चाहिए। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, मैंने 2 वीडियो यहाँ पर शूट किया हूँ। आप न्यू वीडियो भी शूट कर सकते हैं या फिर आपके पास ओल्ड वीडियो ऑलरेडी है तो ओल्ड वीडियो भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी वीडियो शूट नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी वीडियो शूट है तो मैं उसी वीडियो को एडिट करके बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आप इस तरह के प्रोफेशनल वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। वो करना क्या है, सबसे पहले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक काइनमास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से विदाउट वाटरमार्क काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी ऑडियो है वो आपका बाहर आ जाएगा। यदि आपके काइनमास्टर में एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन नहीं आता है तब हमारे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैं जो काइनमास्टर एप्लीकेशन यूज करता हूं इस एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा। इसके बाद आपको करना क्या है, आप जो वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले मैंने जो वीडियो शूट किया हूँ उस वीडियो को कलर चेंज करता हूँ, इसे हम बैक करते हैं। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन यूज करना है, 3D Loot एप्लीकेशन। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको वीडियो पे क्लिक करना है। आपके गैलरी में जो भी वीडियो आपने शूट कर रखे है वो आपको शो कर देगा, तो सिंपल सेलेक्ट करना है। इसके बाद जिस वीडियो का आपका कलर चेंज करना है यानी कलर यहाँ पे मैच करना होगा, वीडियो को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना है, यहाँ पर टॉप 20 पे क्लिक करना है और यहाँ से आप कलर करेक्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं नॉर्मल वीडियो हमारा कुछ इस तरह से, जैसे हम इस पर क्लिक करें देख सकते हैं बैकग्राउंड हमारा चेंज हो चुका है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले अपने वीडियो को 1 बाय 1 कर जितने भी वीडियो आपने शूट कर रखे हैं 2 या 3 वो यहां से आपको कलर चेंज कर लेना है। यानी कि आपको जो यहां से आप करेंगे तो आपके वीडियो में कलर काफ़ी बेहतरीन चेंज हो जाएगा। ज़्यादातर मैं ये यूज करता हूं C81:20, तो आपको इसे भी इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ओपेसिटी अगर कम बेस भी करना चाह रहे तो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ बहुत सारे आपको यहाँ पर मिल जाता है तो आपको देख लेना है, ठीक है, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद इसे सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद हमको करना क्या है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेव टू गैलरी क्लिक कर देना है। ये इस वीडियो का आपका कलर चेंज हो चुका है, ये वीडियो आपको ऑटोमेटिक गैलरी में सेव हो जाएंगे। इस तरह से अपने वीडियो को बैकग्राउंड में कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इसे हम बैक करते हैं काइनमास्टर एप्लीकेशन की ओर। इसके बाद फिर से हम यहाँ पर काइनमास्टर एप्लीकेशन में आ चुके हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्टिंग में जो ग्रीन स्क्रीन है, ग्रीन स्क्रीन को आपको रिमूव करना है। 2.5 पे आना है, वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो ग्रीन स्क्रीन है उसे हम ट्रिम टू लेफ्ट करते हैं। मीडिया पे आना है और आपने जो 3D Loot एप्लीकेशन से वीडियो शूट किए थे उस वीडियो को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको देखना है वीडियो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा उसे हम ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे और इसके बाद इस ऑडियो वाले लेयर पर क्लिक करेंगे। इसे आपको कुछ इस तरह से लास्ट तक लेकर आ जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, स्पीड कंट्रोल पे आएंगे और यहाँ पे आपको 0.5 कर देना है। अब देख सकते हैं आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे जो स्लो मो में हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वीडियो का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर चुका हूँ और वीडियो में स्लो मो भी ऐड कर चुका हूँ। इसके बाद देख सकते हैं इस वीडियो में एक्स्ट्रा पार्ट है क्योंकि हमारा वीडियो जो यहाँ पर चाहिए 10.6 तक का चाहिए। तो इस वीडियो में हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले हम रिमूव करेंगे। इससे पहले इस बीच में आना है और यहाँ पर हमें ट्रांजेक्शन इफेक्ट देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे
इसके बाद कुछ इस तरह के आपको ऑप्शन खुल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एक्सीलेशन का, एक्सीलेशन पे आपको क्लिक करना है। लेकिन आपके काइन मास्टर में एक्सीलेशन का ऑप्शन नहीं आता है, तो आप सिंपल गेट मोर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। काइन मास्टर स्टोर से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यदि यहाँ पे भी आपको नहीं मिलता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे DM कर देना। आप मैं जो काइन मास्टर अप्लीकेशन यूज करता हूँ इस अप्लीकेशन का लिंक मैं दे दूंगा। सिंपल एक्सीलेशन पे क्लिक किया हूँ, यहाँ पे आप स्पीड इन या फिर स्पीड आउट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्पीड आउट सेलेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग का पार्ट का कुछ रिमूव कर दिया हूँ, तो आप देख सकते हैं फाइनली हमारा यहाँ पे मैच हो चुका है। तो मैंने वीडियो में स्लो मो कर चुका हूँ, वीडियो का बैकग्राउंड कलर चेंज कर चुका हूँ, यहाँ पर ट्रांजेक्शन इफेक्ट भी ऐड कर चुका हूँ। इसके बाद आपको करना क्या है, ट्रांजेक्शन साउंड ऐड करना है। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन साउंड ऐड करना है। तो ध्यान रखना है आपको लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ट्रांजेक्शन साउंड का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी ऑडियो है वो आपका बाहर आ जाएगा। वीडियो पे क्लिक करूंगा, इसे आपको डिलीट कर देना है। इस ट्रांजेक्शन साउंड को काफ़ी ध्यान से आपको मैच करना है, ठीक है। आपको ट्रांजेक्शन साउंड आपको बिल्कुल इस सेंटर में होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आप एक से दो बार प्ले कर कर आपको एडजस्ट कर लेना है। यदि आपको एक जगह मैंने ट्रांजेक्शन साउंड लगा चुका हूँ, अगर दो जगह लगाना है इस जगह पे, तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट ले लेंगे। इसके बाद इसे प्रेस करेंगे और जहाँ पे आपको लगाना है यहाँ पे आपको एडजस्ट कर लेना है। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे आपको ऐड करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आपको फिर से ट्रांजेक्शन इफेक्ट यूज किया गया है, तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और हमारा वीडियो फाइनली यहाँ पर तैयार हो चुका है। इसके बाद करना क्या है, सेटिंग पे क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। यदि आपको किसी भी प्रकार वीडियो को एडिट करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप अपने वीडियो को हमारे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। मैं आप लोगों का वीडियो को एडिट कर दूंगा और सेंड कर दूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलून चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।